नमस्कार, हैप्पी रविवार। आज हम लाए हैं आपके लिए कुछ नया और शानदार। आज के हमारे खजाने में है सहजन की फली। आइए देखते हैं सहजन की फली की चटपट बनने वाली आसान रेसिपी। सहजन की फली बनाने के लिए सबसे पहले हम फ्राइंग पैन को हल्की आंच पर गैस स्टोव पर रख देंगे। उसके बाद हम उसमें सरसों का तेल ऐड करने के बाद उसमें जीरा फ्राई करेंगे। जीरा फ्राई हल्का सा होने के बाद हम उसमें प्याज, हरी मिर्च, लहसुन बारीक पिसा हुआ उसमें ऐड करके हल्का सुनहरा होने तक पकाएंगे। उसके बाद हम उसमें धनिया पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर ऐड करेंगे और स्वाद अनुसार नमक भी ऐड कर देंगे और थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे और हल्का सुनहरा होने तक पकाएंगे। जब वो हल्का सुनहरा होने तक पक जाएगा तब हम उसमें कटा हुआ आलू और सहजन की कटी हुई फली ऐड करके पानी ऐड करके 15 से 20 मिनट तक पकने के लिए छोड़ देंगे। 15 से 20 मिनट जब वो पक जाएगा उसके बाद हम उसमें बारीक कटा हुआ टमाटर ऐड करेंगे और फिर हम उसको 5 से 7 मिनट तक फिर पकाएंगे। 5 से 7 मिनट के बाद पकने के बाद हम उसमें हरा धनिया ऐड करके सर्व करेंगे। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ अगले रविवार। तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार।